हाइट ऑफ द लिक्विड कैपिटल एच है, हाइट ऑफ द इच लिक्विड कैपिटल एच है। अब सॉलिड सिलेंडर इसका लेंथ एल है, डेंसिटी रो ए है, पुट इन कंटेनर। द सिलेंडर फ्लोटेड वर्टिकल एक्सिस एंड लेंथ रो एल इन द डेंसिटी, डेंसिटी डी की कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास दो लिक्विड हैं और वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। एक की डेंसिटी हाइयर है तो हाइयर डेंसिटी वाला इधर नीचे आएगा, ठीक है? वो मिक्स नहीं होते हैं। ये हाइयर डेंसिटी वाले को मैं वाइट से बना दिया हूँ। इसकी डेंसिटी एन रो है और इसकी डेंसिटी रो है, क्लियर है? ये आपस में मिक्स नहीं होते। इसमें एक वर्टिकल सिलेंडर रख दो, चलो वर्टिकल सिलेंडर रख देते हैं इसमें। दिस इज द वर्टिकल सिलेंडर जो इसमें फ्लोट हो रहा है और जिसकी लेंथ, ठीक है, एल है, ऐसा बताया जा रहा। लेकिन सॉलिड वाले में पी एल लेंथ है, जो सॉलिड है ये पी एल लेंथ सॉलिड में है। तो सॉलिड वाली जो डेंसिटी है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें पी एल है, ठीक है? और इसमें ये आ जाएगा एल माइनस पी एल, जो कम डेंसिटी वाली लिक्विड है एल माइनस पी एल आ जाएगा, है ना? क्लियर है? चलो इतनी सी बात तो हमको समझ में आ गई। अब कहता है कि डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर डी ले लो, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर डी ले लो और वो कैलकुलेट कर लो। यही हमें चाहिए, इसी की कैलकुलेशन चाहिए। सिलेंडर फ्लोट विद वर्टिकल एक्सिस एंड डेंसिटी, डेंसिटी डी इज इक्वल टू, तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम, अगर सिलेंडर फ्लोट कर रहा है तो हम सबको पता है नेट फोर्स इस पर ज़ीरो होगा यार। अब नेट फोर्स ज़ीरो, इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? इन दोनों लिक्विड का अपथ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा दोनों लिक्विड का, और इसकी वेट एम जी नीचे लगेगी। बस सिंपल सा प्रॉब्लम है, हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन है। एक लिक्विड की जो अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है वो तो वी रो जी, दैट इज द बायंसी या बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, जो लिक्विड लगा रही है सिलेंडर पे। कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रही है सिलेंडर पे ऊपर की डायरेक्शन में। तो अगर लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में सिलेंडर है, और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी एक्सलेशन, जी टू ग्रेविटी, दैट इज द बायंस फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स बाय द लिक्विड, ठीक है? अब यहाँ पे एम जी मस्ट बी इक्वल टू अपथ्रस्ट बाय द फर्स्ट फ्लूड, अपथ्रस्ट बाय द सेकेंड फ्लूड, ये इक्वेशन बनेगा। दो हैं अलग अलग, तो दोनों लगाएंगे यार, ये नीचे वाली भी लगाएगी, ऊपर वाला भी लगाएगा, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लें यार। तो पहले वाले के लिए अपथ्रस्ट की वैल्यू रखो, पहले वाले के लिए अपथ्रस्ट, पहला वाला मैं इसको ले ले रहा हूँ, इसको कंसिडर करता हूँ। तो अपथ्रस्ट, इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लो, वॉल्यूम ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, इनसाइड द वॉल्यूम, इनसाइड वॉल्यूम क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन पी एल है, डेंसिटी लो रो है और ये बॉडी की डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, तो वॉल्यूम एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के इक्वल है, ठीक है? तो वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो और जी, ठीक है, क्लियर है? प्लस दूसरे वाले के लिए लगाओ, उसका वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका एल माइनस पी एल, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो जी, दैट इज द अपथ्रस्ट की वैल्यू, ठीक है, एम जी। ये किसका मास है भैया? यस, ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास है, सिलेंडर का मास है। तो सिलेंडर का मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम ए एल, डेंसिटी डी और ये जी, ठीक है? अब यहाँ से ए एल और जी सब में कॉमन है, देखो खत्म हो गया, ए एल और जी सब में कॉमन है और वो हो गया खत्म। तो यहाँ बचा डी और ए एल जी, भूल जाओ ए एल जी, भूल जाओ तो यहाँ बचा ए एल जी, भूल जाओ तो यहाँ बचा पी रो और यहाँ बचा प्लस ए एल जी, कॉमन हो गया वन माइनस पी और इसकी डेंसिटी लोअर वाले की डेंसिटी आर, लोअर वाले की डेंसिटी एन टाइम्स थी ना, तो एन पी रो और मल्टीप्लाइड बाई रो, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, तो यहाँ से रो कॉमन हो गया तो वन माइनस पी प्लस एन पी, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ,
ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस एन माइनस पी, इसका मतलब ये हुआ ठीक है कि रो और यह आ जाएगा 1 और 1 प्लस एन माइनस 1 और पी, दैट इज फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज द डेंसिटी। आसान था ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कुछ नहीं यार, बट इक्विलिब्रियम है, बैलेंस करना है, दोनों का अपथ्रस्ट लगेगा, वेट एमजी लगेगी, सिलेंडर की बैलेंस कर दो,